नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज सेगमेंट में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। शिवसेना का नाम और निशान छिन जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई करने को कहा है। उन्होंने दलील दी कि उद्धव गुट के असेंबली ऑफिस पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है, अगर कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो सिंधे गुट ऑफिस और बैंक अकाउंट भी छीन लेगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने मंगलवार सुबह 8 राज्यों में 72 जगहों पर छापेमारी की। गैंगस्टर लॉरेंस और उसके करीबियों के ठिकानों पर ये रेड हुई है। NIA राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में एक साथ कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक NIA को विश्नोई और बवाना गैंग को पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही है, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। नागालैंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने दीमापुर के दीफूपर गांव में चुनाव रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, भारत का संविधान बहुत मजबूत है, बीजेपी ने नागालैंड को लूटा है। मोदी राज में पिछले 9 साल में नफरत और डर का माहौल बनाया जा रहा है। धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, अमीर को अमीर बनाया जा रहा है, क्रिश्चियन समाज पर हमले हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने VIP प्रमुख मुकेश सहनी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। ये सुरक्षा उन्हें बिहार में दी जाएगी। गौरतलब है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर मुकेश को ये सुरक्षा दी गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मुकेश सहनी की पार्टी के नेताओं ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, जिसमें मुकेश सहनी को बिहार में जान का खतरा बताया गया था। वहीं जेडीयू से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी बनाई है। नई पार्टी बनाने के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा का मोदी प्रेम देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष एकजुट नहीं है, ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा खड़ा हो ही नहीं सकता है। पटना में आयोजित किसान समागम में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक भड़क गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बापू सभागार में आयोजित किसान समागम के दौरान खेती को लेकर व्याख्यान दे रहे अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि अपने देश की भाषा हिंदी बोलते हुए शर्म आ रही है आप लोगों को। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से मारपीट और जबरन वसूली के केस में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल को जमानत मिल गई है। जमानत मिलते ही सपना ने पृथ्वी और उनके दोस्त के खिलाफ मुंबई पुलिस में केस दर्ज कराया है। हथियारों से हमला करने, आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए। सपना ने कहा कि घटना के दौरान जब वो अपने दोस्त को बचाने गई तो पृथ्वी शॉ ने उन्हें गलत तरीके से छुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ गीतकार जावेद अख्तर ने तीखा बयान दिया है। पड़ोसी मुल्क को 26/11 मुंबई हमले की याद दिलाते हुए जावेद ने आईना दिखाया। उन्होंने कहा, आतंकी आपके देश में खुलेआम घूम रहे हैं। इस बयान को लेकर जावेद अख्तर की इंडिया में काफी तारीफ हो रही है। गीतकार के खिलाफ बोलने वाली कंगना रनौत भी उनके सपोर्ट में आ गई है। जावेद अख्तर की तारीफ करते हुए कंगना ने पोस्ट भी लिखा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।